बैक टू अदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि आज इंटरेस्टिंग ब्लॉग को लेकर आ गया हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मुक्तांगन, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को और प्रेस कर देना। चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अभनपुर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभनपुर, अभनपुर का भी कुछ इस तरीके से है। बस यहाँ से कुछ ही मिनट का रास्ता है मुक्तांगन जाने का। तो गाइस, वीडियो पे एंड तक जरूर बनी रहेगा। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का बस स्टैंड, अभनपुर बस स्टैंड है यहाँ पास। देखिए, यहाँ राइट से आप लोग राजिम जा सकते हैं और यहाँ लेफ्ट से रायपुर रोड है। तो हमें अब इधर ही जाना है रायपुर रोड की तरफ आगे की ओर। ये देखिए, यहाँ छोटी बड़ी दुकानें भी है यहाँ पास। फ्रेंड्स, अब कुछ ही मिनट का रास्ता बचा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों मुक्तांगन के लिए बस ज़्यादा टाइम नहीं है, अब निकल रहे हैं अब यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू रायपुर वाले रोड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ का रोड तो कमाल का है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ हम लोग फोटोशूट के रुकेंगे और फोटो आप इंस्टा पे देख सकते हैं। फाइनल फ्रेंड, फोटोशूट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मुक्तांगन के लिए। चले गए, कंटिन्यू कर दें आज के ब्लॉग को। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तांगन। बस अब टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद हम लोग मुक्तांगन के अंदर इंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, टिकट। अब हम लोग इंटर करने जा रहा है मुक्तांगन के अंदर। तो मुक्तांगन के बाहर का भी कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बस अब हम लोग यहां से इंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों के सामने में दिख रहा है, ये है आदिवासी चौक। फ्रेंड्स, ये है आदिवासी चौक और यहां पास भालू का शिकार कर रहे हैं, देखो कैसे। और फ्रेंड्स, हम अब जाते हैं इस तरह से, यहाँ सामने में छत्तीसगढ़ी चौक है, तो उस तरफ भी जाते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ पास क्या है। ये देखिए, सामने में है छत्तीसगढ़ी चौक। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बनी है गाइस। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ी चौक। ये देखिए छत्तीसगढ़ी चौक, और Thank you.
जाने श्री अब्दुल कलाम जी ने अपने कर कमलों से किया था। और आज 1 नवंबर है, तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ वासियों को। फ्रेंड्स यहाँ गार्डन टाइप से कुछ बना है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पास सामने में ही जलप्रपात जैसे कुछ बने हैं। तो फ्रेंड्स यह जलप्रपात अब कहाँ का है ये तो पता नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या क्या है। अभी हम लोग यहाँ ऊपर भी जाएंगे, यहाँ पहाड़ के ऊपर आप लोग यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पास। ये देखिए यहाँ का व्यू। चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से व्यू कैसे दिख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पास एक मूर्ति है, बट इसका नाम तो मुझे पता नहीं क्या है। और ये देखिए यहाँ मूर्ति बना हुआ है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Friends, ये देख सकते हैं आप लोग पंथी नृत्य, ये है पंथी नृत्य। Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. डांडिया नृत्य बोलते हैं इसको। और यह है सुवर्ण नृत्य जो छत्तीसगढ़ में प्रचलन है। जा रहे हैं आमचो गांव। ये देखिए यहाँ आमचो गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, आप लोगों का आमचो गांव देख लीजिए। फ्रेंड्स ये है गेट सामने का, यहाँ पास आमचो गांव का नक्शा भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स ये है आमचो गांव, चलिए चलते हैं क्या है देख। फ्रेंड्स यहाँ सामने में एक घर जैसा बना है, चलिए जाकर देखते हैं यहाँ बस क्या है। फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत के साथ बनाया गया है इस घर को। फ्रेंड्स ये देखिए कितना मस्त घर बना है यहाँ पास, राहुल वहाँ पास खड़े है। ये सभी बस्तर की कलाकृतियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ एक मंदिर जैसा है, इसका नाम तो मैं भूल गया। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी है, बट हम लोग अंदर नहीं जाएंगे अभी। ये देख सकते हैं बाहर से कितना खूबसूरत टाइप से बनाया गया है इसको।
फ्रेंड्स ये है बस्तर के दशहरा में, मतलब बस्तर के दशहरा कैसे मनाया जाता है इसका दीवार पर देखिए कलाकृति कैसे है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सुंदर तरीके से। फ्रेंड्स ये है आमचो गांव, देख सकते हैं आप लोग, ये है आमचो गांव। फ्रेंड्स अब लोग हम लोग जाएंगे वहां ऊपर, ऊपर जाने का रास्ता है वहां से। फ्रेंड्स यहां से हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहां पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहां नीचे का व्यू भी कमाल का है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स चलिए गाइस अब ऊपर जाते हैं, यहाँ पोलंग मट्टा, यह पोलंग मट्टा, चलिए ऊपर जाकर देखते हैं क्या है। यहाँ सीढ़ी है, यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऊपर आने के बाद यहाँ से आप लोगों को व्यू तो बहुत लाजवाब देखने को मिल जाएगा। ये देखिए गाइस यहाँ का व्यू, बस्तर दशहरा का फूल रथ है, देख सकते हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स ये है बस्तर दशहरा का फूल रथ, ये देखिए आप लोग। हम लोग बाहर निकल चुके हैं, यह है पार्किंग का एरिया। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी, बट किसी कारणवश हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो आप लोगों का बाहर का व्यू आप लोगों को भी दिखा लेते हैं। चलिए गाइस आप लोग भी देख लो बाहर से कैसे दिखते हैं जंगल सफारी। फ्रेंड्स ये है जंगल सफारी का बाहर का नज़ारा, किसी कारण हम लोग नहीं जा पाए, तो फ्रेंड्स आगे मैं आप लोगों को जंगल सफारी वाला ब्लॉग भी लेकर आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हम लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग को लेकर दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को और प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने भी मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।